हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं वीडियो की स्टार्टिंग ही रेसिपी से कर रही हूँ। एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम बना रही थी आलू परवल, तो मैंने सोचा चलो बना रही हूँ तो रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। अभी सुबह सुबह का टाइम है और लंच की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, मतलब लंच बॉक्स में देने के लिए। और यहाँ पर आप चने देख सकते हैं, ये ब्रेकफास्ट के लिए मैंने बनाए हैं। चने रोटी के साथ में, पराठे के साथ में और साथ में चाय हो तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो थोड़े से बॉयल चने रखे हुए थे तो उनको मैंने ऐसे मसाला डाल करके अच्छे से भून करके तैयार कर लिया है, ताकि चाय के साथ खाने में वो अच्छे लगें। और सेम पैन के अंदर मैं यहाँ पे परवल और आलू इनको फ्राई कर रही हूँ। तो परवल अभी ठीक है, आ गए हैं, लेकिन अभी ना जब शुरू शुरू में सब्ज़ी आती है ना, तो वो मिठास नहीं होती है उसमें, वो एक कच्चापन सा नहीं होता, पता नहीं क्यों। जैसे गोभी भी शुरू में आती है तो अजीब सी आती है, उसके बाद फिर जब सीज़न उसका एकदम पीक पे होता है तो बहुत अच्छी गोभी मिलती है, देन लास्ट में फिर वैसे ही हो जाता है। तो ऐसे जो परवल वगैरह होते हैं ना, इनकी फिर भुजिया उतना अच्छा नहीं बनती है, तो इसीलिए मैं इसकी सब्ज़ी बना रही हूँ। तो थोड़ा सा 1 से 1.5 मिनट फ्राई करके मैंने हटा लिया है इसको, और अब मैं इसका तड़का लगा दूंगी सब्ज़ी का। और ये वॉक तो जब से मेरे पास आया है ना, तब से मुझे लगता ही नहीं कि मैंने इसको अंदर रखा है किसी भी दिन। मैं उसी दिन से रोज़ इसको यूज़ करती हूँ किसी ना किसी काम के लिए। एक तो नया है, मज़ा भी आता है, लेकिन इसके साथ और भी नए बर्तन आए हैं, बट ये जो है पर्टिकुलर मतलब वॉक है जो इसका, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यूज़ करने में। कोई चीज़ चिपकती भी नहीं है और बहुत अच्छे से आप इस पर काम कर पाते हो, तो मेरे हाथ के लिए तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मेरे हाथ चढ़ गया ये। तो कोई भी चीज़ है मैं इसी में बना रही हूँ। तेल में मैंने थोड़े से जीरे का तड़का लगाया है, देन इसमें स्लाइस किए हुए प्याज मैंने डाले हैं और हरी मिर्ची डाली है। थोड़ा सा जैसे ही प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं, इसके अंदर सारे वही जो नॉर्मल मसाला डब्बा के मसाले होते हैं वो ऐड कर दिए हैं। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा थोड़ा सा, और इनको हम भून लेंगे जब तक ये मसाले अच्छे से खुशबू ना देने लगें तब तक। उसके बाद 2 टमाटर को ना मैंने पीस करके तैयार रखा था, तो इसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऑलरेडी मेरे पास था फ्रिज में, तो 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर दिया है। अदरवाइज़ आप टमाटर के साथ में जिंजर और गार्लिक डाल करके मिक्सी में पीस सकते हैं। नमक ऐड किया थोड़ा सा, बस अच्छी तरीके से आप भून लीजिए मसाला जब तक ऑयल इसमें से सेपरेट नहीं हो जाता। तो देख सकते हैं आप कि ऑयल एकदम अच्छे से सेपरेट हो गया है। तो अभी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो सब्ज़ी हमने थोड़ी सी फ्राई करके रखी थी। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करेंगे, पानी ऐड करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 6 से 7 मिनट में ये सब्ज़ी मीडियम लो फ्लेम पर अच्छे से पक के तैयार हो जाएगी। सब्ज़ी हो गई है बनके बिल्कुल तैयार। थोड़े से हरे धनिया के पत्ते हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से थोड़ा देर 1 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी तरी तरी सी सब्ज़ी है तो बहुत ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। बट जब भी आप सब्ज़ी पका लेते हैं उसके बाद हल्का सा भून लेने से उसका फ्लेवर जो है वो बहुत इन्हेंस हो जाता है। साथ ही साथ लगे हाथ में सब्ज़ी परोस के भी रख लूँगी, क्योंकि ये लोहे का बर्तन है। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि लोहे के बर्तन में टमाटर बना सकते हैं, तो बना सकते हैं, लेकिन उसको तुरंत हटा लीजिए, नहीं तो फिर उसकी स्मेल जो है लोहे लोहे जैसी खाने में आ जाती है, जो कि बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। और लंच बॉक्स में देने के लिए ये सब्ज़ी बिल्कुल परफेक्ट है समर्स में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है वेडनेसडे। आप लोगों को मेरी आवाज़ से ही समझ में आ गया होगा कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली पिछले आई थिंक होली के बाद से ना हमने कुछ शूट ही नहीं किया है, कोई ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया है, बस कुछ प्री शूट वीडियोस थी और कुछ बाद में भी की हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग और रूटीन वगैरह शूट नहीं किया है, क्योंकि मैं पूरा घर अपना क्लीन करने में लगी हुई थी। पूरा दीवारें, डस्टिंग वगैरह भी परसों हमने करी है, एंड मतलब वो वाला जो हमारा बाथरूम है वो सब साफ़ किया, वो वाला रूम क्लीन किया, अभी जस्ट बेडशीट चेंज करनी है। क्यों, आपको पता ही है पापा मम्मी आ रहे हैं, तो इसीलिए जैसे कोई आता है ना तो आप थोड़ा सा स्पेशल क्लीनिंग करते हो, वही सब मैं कर रही थी। और सिद्धार्थ ने इतनी होली खेली थी पूल में, उसको हो गई सर्दी खांसी, फिर उससे मुझे ट्रांसफ़र हो गई है सर्दी खांसी, तो अभी उसको भी हो रखी है, मुझे भी हो रखी है। डॉक्टर को हमने चेकअप करा लिया है, क्योंकि उसको फीवर भी आ गया था 100 के आसपास कुछ, तो डॉक्टर को चेक करवा लिया, उन्होंने बोला है थ्रॉट इन्फेक्शन है।
तो क्योंकि गले में उसके खराश हो रहा था बहुत ज़्यादा, और उसके बाद फिर उसको नोजी आना भी स्टार्ट हो गया। तो उससे दांत का ना हमेशा थ्रॉट इन्फेक्शन हो जाता है क्योंकि एलर्जिक है ना वो, तो उसकी मेडिसिन चल रही है और मेरी भी चल रही है बिकॉज मुझे भी हो गया, मुझे भी गले में। कल तो मैं बिल्कुल बोल ही नहीं पा रही थी, इतनी खराश थी। आज थोड़ा खराश में आराम है बट आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई है। और अभी हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, आज मैंने सुबह कुछ बनाया नहीं और उन्होंने बोला कि मैं बाहर से आज खा लूँगा, तो आज कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो जस्ट टी और जो मैंने स्नैक्स वगैरह बनाए हुए हैं वही खा पी के वो चले गए। अभी मैंने ऑर्डर किया था ब्रेड, तो ये डिलीवर हो गया। और मैंने ना कल पूरा दिन कुछ ढंग से खाया पिया नहीं, मन नहीं कर रहा था बिल्कुल। अभी सुबह सुबह उठ के मुझे इतनी भूख लगी हुई है, तो मैंने ब्रेड मंगाई अपने लिए जिनको मैं गर्म करने जा रही हूँ। तो थोड़ा सा घी नमक लगा के इनको गर्म करके चाय और ब्रेड में खाने जा रही हूँ। अभी मेरा ये टी टाइम ब्रेक है, थोड़ी देर के लिए आराम से तसल्ली से बैठ के मैं अपनी चाय लूँगी और ब्रेड खा रही हूँ उसके साथ में। साथ ही हस्बैंड सुबह ये मट्ठी वगैरह खा के गए हैं ना, मट्ठी क्या है जो पापड़ी बनाई थी ना मैंने, तो ये चाय के साथ भी बहुत यम लगती है खाने में। मट्ठी ही है, आप समझ लीजिए पतली मट्ठी है बस, तो ये अभी तक एकदम क्रिस्पी करा रही हैं, आप समझ लीजिए कितना टाइम हो गया मुझे इसे बनाए हुए। तो ये डेफ़िनेटली आप स्टोर करके मुझे लगता है 15-20 दिन आराम से रख सकते हो, उसके बाद क्या हाल होगा मुझे नहीं पता। अगर मेरे घर में बची उसके बाद तक तो मैं बता दूंगी कि कैसी चल रही हैं। तो बस मैं अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करती हूँ, फिर करते हैं घर के ख़त्म काम जो कि मैं उतना प्रॉपरली आज नहीं कर पाई थी बिकॉज तबीयत मेरी हो गई थी ज़्यादा ही ख़राब कुछ, क्योंकि सर्दी जुकाम में एक अजीब तरीके का मन हो जाता है, हरारत हो जाती है, बॉडी पेन होने लगता है, तो वो सब हो गया था। तो काफ़ी आज मेरा ना एनर्जी लो था सुबह से। सीधा मैं शाम को मिल रही हूँ आपसे और बेडरूम की हालत आप देख सकते हैं, सुबह मैंने ठीक किया था लेकिन दिन भर बच्चे ना बहुत कुछ इधर उधर रखते रहते हैं और वो दिन भर हम लोग ठीक करते रहते हैं, लेकिन आज मैंने कुछ भी ठीक नहीं किया, तो काफ़ी चीज़ें इधर उधर फैली हैं जो मैं हटा के रखूँगी बिकॉज पापा मम्मी रात को आने वाले हैं और उससे पहले मुझे घर थोड़ा ठीक ठाक करना है। बाकी सब कुछ मैंने सफाई कर दिया है, बस ये जो ऊपर ऊपर चीज़ें हैं वो सब मुझे हटानी है। सिद्धार्थ ऐसे क्यों बैठा हुआ है, वो ले रहा था स्टीम, उसको दिन में 3 से 4 बार मैं स्टीम देती हूँ, तो स्टीम देने के बाद तुरंत एकदम से बाहर नहीं निकालती हूँ, थोड़ी देर उसको ढक करके 4 से 5 मिनट मैं बोलती हूँ कि ढक करके तुम अंदर ही रहो, जो भी बेडशीट या जिस कपड़े से भी वो कवर होकर स्टीम ले रहा था तो उसी में रहता है, उसके बाद वो धीरे धीरे बाहर निकलता है, अदरवाइज़ सर्दी गर्म हो जाता है तो वो और नुकसान करता है। और दोपहर में थोड़ा सो भी गई थी मैं, तो सारे काम काफ़ी लेट हुए, इवन मैं सूखे हुए कपड़े भी नहीं उतार पाई थी, तो 2 लॉट लगाए थे, एक मॉर्निंग में लगाया वो तो मैंने सुखा दिया और जो दूसरा लगाया ना उसको मैंने डाला भी नहीं क्योंकि ये उठाए ही नहीं मैंने। तो अभी मैंने सूखे कपड़े उठा करके रस्सियाँ खाली की हैं और अब ये वाले जो कपड़े हैं जो मशीन में थे ये सब मैं इस पर डाल रही हूँ। तो अभी तो बारिश वगैरह का कोई सीन नहीं है, तो रात भर कपड़े पड़े रहें तो कोई इशू नहीं होता है, आराम से सुबह तक वो सूख भी जाते हैं 7-8 बजे तक। और धूप भी लग जाती है क्योंकि जैसे ही सूर्य उदय होता है तो हमारी बालकनी में बहुत अच्छे से धूप आती है, तो 1 घंटे की धूप सुबह लगा के हटा लो तो एकदम सूखे सुबह सुबह ही सूखे कपड़े आपको मिल जाएंगे अगर रात को सुखा दो तो। और ये सारे कपड़े अभी मैं फोल्ड नहीं कर रही हूँ बिकॉज मुझे खाना वगैरह भी बनाना है और जैसा कि तबीयत ठीक नहीं है तो लिमिटेड काम ही उठा रही हूँ मैं। तो जो मेरा बड़ा वाला ये बॉक्स है ना लॉन्ड्री बास्केट, इसके अंदर मैं अच्छे साफ सुथरे धुले हुए सूखे कपड़े रखती हूँ, जब भी मुझे समय नहीं मिलता है उनको फोल्ड करने का तो मैं उसी में भर के रख देती हूँ, सामने नहीं दिखते हैं तो बुरे नहीं लगते हैं, और फिर जैसे ही समय मिलता है मैं सारे कपड़े निकाल करके फोल्ड कर लेती हूँ। और बस बेड को थोड़ा सा झाड़ झूड़ के साफ़ करूँगी, सेट कर दूँगी, दिन भर हम इसी में दोनों लोग एकदम लेटे हुए थे, सिद्ध की भी तबीयत ख़राब थी मेरी भी ख़राब थी, और आज हमने मूवी भी देखी क्योंकि बेड से ना ही उठने का मन कर रहा था, तो सोफे पे लेट के आराम से हमने आज एक नहीं दो भी नहीं कहूँगी 1.5 मूवी देखी, एक पूरी देख ली एवेंजर्स की और एक आधी देखी है जो हमें अभी पूरी करनी है। तो मूवीज़ भी मैं एवेंजर्स की देख रही हूँ सिद्ध के साथ में, बट मैं इंजॉय करती हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे भी एवेंजर्स की जो सीरीज़ है पूरी बहुत पसंद है।
बट मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगता है बच्चों वाली जो मूवीज़ होती है उनको एंजॉय करना, और एडवेंचरस मूवी जो बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं वो भी बहुत पसंद है। कार्टून मूवीज़ भी बहुत पसंद है आजकल, लेकिन कार्टून मूवीज़ सिद्धार्थ ने देखना बंद कर दिया है। वो एवेंजर्स, पायरेट्स ऑफ द करेबियन और हैरी पॉटर, ये सारी चीज़ों को ज़्यादा इंजॉय करता है। तो बेड भी मेरा देखिए विद इन 5 मिनट्स बन के तैयार हो गया है। लाइट्स वगैरह मैंने जला दी हैं ताकि माहौल अच्छा सा रहे। अभी पापा मम्मी को आने में काफ़ी समय है, 10:30-11 बजे तक ही वो लोग आएंगे, बिकॉज़ जिस हिसाब से फ़्लाइट है वैसा ही, और वहाँ से आने में टाइम भी काफ़ी लगने वाला है। तो हस्बैंड तो शाम से ही ऑफिस से सीधा वहाँ निकल के पहुँच गए थे, तो तब से ही वो वहाँ पर वेट कर रहे थे। अभी मैं बनाने जा रही हूँ दाल राइस और 2 तरह की सब्ज़ी, मतलब एक भुजिया और एक सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। किसी भी सफ़र से जब हम लोग आते हैं तो सबका ही दाल चावल अचार वगैरह खाने का मन करता है। तो दाल अरहर की बन रही है, राइस बन रहा है प्लेन, और इसके साथ में आलू सेम की मैं सब्ज़ी बनाऊंगी और भिंडी की भुजिया बनाने वाली हूँ, साथ में अचार रहेगा। तो यही सारा खाना बना रही हूँ और विद इन हाफ एन आवर मैंने ये सारा खाना बना के तैयार किया, क्योंकि चारों गैस पे मैंने चढ़ा दिया था। एक पे अभी देखिए दाल चढ़ा रही हूँ, फिर एक पे चावल चढ़ा दिया, और दोनों गैस पे मैंने साइड बाय साइड सब्ज़ियाँ दोनों रख दी थी करने के लिए, क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं थी मेरे अंदर कि मैं खड़े हूँ ज़्यादा देर। तो इसीलिए मैंने फटाफट सारा काम किया। सब्ज़ी वगैरह जो है वो तो बैठ के काट ली थी पहले ही, तो कटी हुई थी अभी, जस्ट प्याज टमाटर वगैरह मुझे चॉप करने हैं, बाकी और सब तैयार है। दाल चढ़ गई है हल्दी नमक डाल के, और चावल भी मैंने चढ़ा दिए हैं यहाँ पर। दोनों कढ़ाई के अंदर मैंने एक ही साथ तेल डाल दिया है। भिंडी की भुजिया में तो मसाले वगैरह मैं कुछ भी नहीं डाल रही, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे जो सब्ज़ी है इसको मैं प्रॉपर प्याज टमाटर मसाले वाली बनाने वाली हूँ। तो भिंडी की भुजिया के लिए मैंने थोड़ा सा जीरा लिया है, जीरा मैंने इसमें गलती से डाल दिया मैं सच बताऊँ तो, क्योंकि मेथी का छौंका बहुत अच्छा लगता है। जीरा निकाला मैंने उस सब्ज़ी के लिए, डाल दिया इस सब्ज़ी में, लेकिन फिर भी जीरा ऐड किया, साथ में थोड़ा सा मेथी ऐड किया, हल्दी पाउडर डाला है, देन ये मैंने भिंडी है इनको इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इस 1 से 2 मिनट इसको ऐसे ही भूनना है, बिकॉज भुजिया बननी है, थोड़ी भुनी भुनी सी अच्छी लगती है। दूसरी तरफ कढ़ाई में मैंने तेल तो पहले ही ऐड कर दिया था, इसके अंदर जीरा ऐड किया है, साथ ही कटे हुए लहसुन ऐड किए हैं। सेम की सब्ज़ी में लहसुन का छौंका अच्छा लगता है। हरी मिर्ची भी ऐड कर दी है, और थोड़ी महीन कटी हुई हरी मिर्ची मैंने भिंडी में भी ऐड कर दी है। इसको अच्छी तरीके से हम चलाते रहेंगे, उसके बाद हम सेम की जो सब्ज़ी है उसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। तो ये चॉप किए हुए प्याज हैं, इनको हम थोड़ा सा भूनेंगे, ज़्यादा भूनना या कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा भून करके हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कटे हुए आलू, बिकॉज प्याज और आलू एक साथ अच्छे से भून जाएगा।
प्याज भी भुन चुके हैं, अच्छे से लाल हो गए हैं प्याज, आलू भी थोड़े से भुन गए हैं। तो अभी हम इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर देंगे, वही नॉर्मल मसाले, हल्दी, धनिया, जीरा का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर। अच्छी तरीके से हम प्याज के साथ में, प्याज और आलू के साथ में मसालों को भून लेंगे थोड़ी सी खुशबू आने तक। उसके बाद हम इसके अंदर जो सेम की फली हमने कट करके रखी है वो ऐड कर देंगे। सेम की सब्ज़ी अगर आपको सूखी सूखी बिल्कुल भुजिया स्टाइल बनानी है ना, तो आप इसमें बिना पानी डाले या एक दो चम्मच पानी डाल करके धीरे धीरे पका सकते हैं। लेकिन मुझे ये थोड़ी सी, मतलब ग्रेवी भी नहीं कहूँगी, लेकिन हल्का सा मुझे इसको पानी डाल करके पकाना है, और इसीलिए मैंने उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको ढक करके पकने के लिए छोड़ दिया है। और इधर जो हमारी भुजिया है ये तो बिल्कुल तैयारी हो चुकी है। आलू और सेम की सब्ज़ी जो है लगभग पक चुकी है 90% तक। तो इसमें दो कटे हुए टमाटर मैं ऐड कर रही हूँ लास्ट में, बिकॉज़ कई बार टमाटर, जैसे देसी टमाटर है, खट्टे हैं थोड़े, तो पहले डाल दो ना तो फिर सब्ज़ी पकती नहीं है, फली पकती नहीं है, तो इसीलिए लास्ट में डाला है। अब लास्ट के 2-3 मिनट मुझे कुक करना है, उसमें टमाटर भी अच्छे से कुक हो जाएंगे और हमारी जो सब्ज़ी है वो ऑलरेडी पक चुकी है। बस दाल को तड़का दे देंगे बिल्कुल सिंपल वाला, हींग, जीरा, लाल सूखी मिर्च और गार्लिक का, बहुत टेस्टी लगता है। हम सभी लोग को ये वाला तड़का ही सबसे क्लासिक लगता है, सबसे ज़्यादा पसंद आता है। दाल को गया तड़का, सब्ज़ी दोनों मेरी बन चुकी हैं, राइस ऑलरेडी कुक हो चुके हैं, तो मेरा सारा खाना लगभग तैयार है। इस मोमेंट का हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली को इंतजार था, जो अभी 5 मिनट में होने वाला है। आप सोच रहे होगे ऐसे क्या, सो आई नो सबको पता चल गया होगा, लेकिन तभी पता कोई चीज़ आ रही है कोई चीज़ आ रही है, सबको मालूम है, तुम ऑलरेडी उस दिन बता चुके हो। तो सिद्धार्थ के दादा दादी आ रहे हैं, टाइम देखिए अभी घड़ी में हो रहा है 10:25 रात के, और 5 मिनट में बस पहुंचने वाले हैं वो लोग। लेट हो गया, हाँ थोड़ा सा डिले भी हो गया था, और दूसरा वहाँ से यहाँ आने में समय भी लग जाता है। तो सिद्धार्थ इज सुपर डुपर एक्साइटेड, बिलीव नहीं हो रहा कि दादा दादी यहाँ आएंगे, बिलीव नहीं हो रहा है। सिद्धार्थ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, तब से वो जाग रहा है और अभी वेट कर रहा है कि गाड़ी दिखेगी आते हुए मेन गेट से, तो मैं यहीं से हाय करूँगा। उसको पता है जबकि कोई देख नहीं पाएगा, बट उसे हाय करना है। हम लोग जब देख रहे थे उसे आ गए। ये बालकनी में बैठा हुआ था, देख नहीं पा रहा है। मुझे एक बार लगा कि वो गाड़ी है, लेकिन नहीं लग पाया। दादाजी गली चेंज हो गया, जब तो गली कहाँ गया? एक बार थोड़ा सुन सकता हूँ? इधर इधर साइड में आते ही भून डालूंगा, आते ही भून डालूंगा। आप नहीं कैसे देखो? इतना लेट कैसे होगा बाबा? फिर मोबाइल में भी और चीजें सिखाऊंगा, मैसेज करना सिखाऊंगा। और पापा मम्मी आ गए हैं, तो अब बातों के खूब सारे पिटारे खुलेंगे। अभी तो मैं उनसे पूछ रही हूँ कि हाँ फ्लाइट एक्सपीरियंस कैसा रहा, बिकॉज़ थोड़ा सा वो लोग नर्वस थे, और फिर जब अभी आए तो बोले अरे कुछ था ही नहीं, हम तो बिना मतलब के डर रहे थे, तो हमें तो कुछ पता ही नहीं लगा ना। जैसे कि थोड़ा बहुत पता चलता है ना जब टेक ऑफ होता है या लैंडिंग होता है, कह रहे हमको वो भी कुछ नहीं पता चला, हम लोग तो बड़े आराम से आए हैं।
तो ये अच्छा रहा, जितना वो लोग नर्वस थे उतना ज़्यादा अभी वो एकदम कंफर्टेबल हो गए हैं। और अभी हस्बैंड आ गए मेरी हेल्प करने के लिए, ऑल्दो वो भी थके ही हुए थे लेकिन मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही आज गड़बड़ हो रखी थी, तो खाना लगाने में हेल्प करने आए हैं। और अभी तक सब लोगों ने कपड़े वगैरह चेंज करके अच्छे से हाथ पैर धो करके सब लोग फ्रेश हो चुके हैं, हस्बैंड भी, मम्मी पापा सब लोग। तो अभी इसीलिए हम आए हैं खाना लगाने के लिए, और इस टाइम ना 11 बज चुका था, बहुत लेट हो चुका था लगभग। तो बस खाना लगाएंगे, सब लोग खाएंगे और उसके बाद तो आज हम सोने जाएंगे सीधा, बस बातें बातें थोड़ी बहुत करेंगे बिकॉज वो भी सुबह के निकले हुए हैं और सफ़र की थकान ना अलग ही होती है, एकदम अच्छे से आराम करने से फिर जाती है। और यहाँ पे सिद्धार्थ तो ना पूरा घर का टूर करवा रहा है, हर एक चीज़ दिखा रहा है, अभी बालकनी में दिखा रहा है कि दादाजी यहाँ पे भजन कीर्तन होते हैं शाम को, तो सबके दादाजी आते हैं तो आप भी जाना उसमें। तो अभी तो ना एक दो दिन ये बहुत उसका एक्साइटमेंट का सीन चलेगा क्योंकि उसको लग रहा है मुझे बहुत कुछ दिखाना है, तो अभी उसको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि मैं एक ही बार में सब कुछ दिखा दूँ, अभी ये चल रहा है उसका। तो बस अभी हम खाना खाएंगे, थोड़ी बातचीत करेंगे और आज का दिन तो मेरा ऐसा ही रहा। कब से आप लोगों को भी और हमें भी वेट था कि कब आएंगे पापा मम्मी, फाइनली वो आ गए हैं, तो अब तो आप लोगों की रोज़ लगभग व्लॉग में मुलाकात होगी ही और मैं फेस टू फेस बात भी कभी करवा दूंगी उनसे। अभी तो जस्ट खा पी के उनको बस आराम करना है। तो चलिए आज के व्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ, कुछ ऐसा ही मेरा दिन रहा। होपफुली आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।